रातिल मेरा दिल तोड़ने वाला मेरा दिल तोड़ने वाला कोई न होता आप न होते मेरा दिल तोड़ने वाला कोई न होता आप न होते छोड़ने वाले बड़ी ऊंची बात है कलाकार महोदय हमका बतावा ना आन के बिलरिया सगुन बतावे प्यार भरा दिल तोड़ने वाला कोई ना हो साथ आप ना होते मैं अपना पहला पहला प्यार आँखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर पहला पहला प्यार कर रहे हैं फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया भी रहा सुने सोना जी से बात भी लुरी कांड के भी एक कुछ दास्तान मिला सुने के बाबा उनका नाम कह रहा ना मौला मौला कौन मौला रस्तम डोला रुकवावत रहन डोला रुकवावत रहन बा जुठार के तब जुठार देत रहन तब जाय देत रहन बारे कलम तो हार चली है या धन हो धन हो क्या बात है निर्मल ठाकुर था आप लोग हैदर उस्ताद के कैसेट सुने हो गया अरे हम बरतिया लेके जा अरे बड़ी चुनौती न कबाय औरतिया हम बरतिया लेके जा मुस्तफा वगैरह नहीं रहा पहले सुनो गुनो तब धुनो बाबा कहानी स्पष्ट होनी चाहिए मंजरी के डोला निर्मल ठाकुर निर्मल ठाकुर ऐलान कर रहा कि पहली जो लड़की जेकर डोला जाई निर्मल के घरे जाई तब सांवर लोरिक कहन कि ई मंजरी से केहू ब्याह करे बड़े तैयार नहीं रहा ब्याह करे बड़े तैयार नहीं रहा तब लोरी कहन कि हाँ हम करा तो भाई नाव बाभन जब लेके आए ना सुगंध तो भाई कहा अरे बतावा तू केतनी हैदर अली गावत रहे अरे बतावा तू केतनी तिलकिया चढ़ाईगा बताला तू केतनी तिलकिया चढ़ाईगा गवाई है हमारा बेटवा सना दुलही नली आई है माई खोइलन बोले रहे नाउ बाभन से और एहर उहर गाय के भैंस क्या बताई बिरहा का मतलब पहले भूमिका हो कवाली हो ओकरे बाद नजम या जौहरी हो तब कहानी स्पष्ट हो था सोना जी आप अच्छी कलाकार हैं बढ़िया गायिका हैं एमा कोनो शक नहीं बे और उजोन भाई ने खलेस लगाओ कि अरे कवन दीदा होतै अच्छा कोन जब हमरे मतलब जब तू लोग हमरे मुंह सुनबई करत रहे पागल पागल हरे जब जाते ही रहे ये प्रोग्राम में जात रहे आई यूट्यूब पे आप लोग सुने होबे हमरे आवाज में इलाहाबाद जनपद में ये मेरा निकाला धुन है कवन दिन होते हमार कुलबाड़ है ये गीत राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी तक सुने इस गीत को चूंकि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं मैं गायक कलाकार के साथ साथ जिला अध्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे प्रदेश में तब से आज तक ये पद मेरा बरकरार है अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उस पद पे हूँ इलाहाबाद प्रयागराज का मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष तब उस समय मैं गाया था कि अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतै अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतै तू बनी जा त्या पीएम कवन दिन होतै विक्रम भैया
के तरफ से बहुत समाया का पुरस्कार हमका कोनो कष्ट नहीं सुना गया यहाँ। अरे हमार छाती और गद हो गई कि कम से कम हमरे जनपद के कोनो बहन बिटिया गावती बे हमार गीत। हाँ हम तो चाही थी प्रीतिपाल 99% गावत थी, जितना हम लहाई दिन वही सुन 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 सब लहाई दी थी, हमका कोनो तकलीफ नहीं। लेकिन अब जब गौछीन यहाँ तो सुन ले और बढ़िया ना 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 है मुन्ना। अरे दुर्गा भवानी से अंतरा बिट्टी यो सीखला। अरे दुर्गा भवानी से भैया का हमारे तो सुनी लगा रजिया, भैया का हमारे तो सुनी लगा रजिया, भैया का हमारे तो सुनी लगा रजिया। अरे गरीबन का मदद की है, गरीबन का मदद की है, रह जब तू सीएम का वाना देना हो, तू बन जा सीएम का वाना देना हो, तू बन जा सीएम का वाना देना हो। केहू के गाय दे हमें कोनो गवैया का तकलीफ न हो चाहिए, लेकिन तकलीफ तब होता कि गाने में थोड़ा सा झलक बोल देना चाहिए कि हमें ये फलाने का। अब जैसे हम लोग गाई थी हैदर अली के झटका, बाबा राम कैलाश ने लटका, लाल जी लहरी के फटका, हम लोग किसी कलाकार की प्रतिभा को छुपाते नहीं, जेकर रहा तो बताई दे थे। अच्छा जब हम बताए दिन तो बेईमान कौन बात के तब भैया है लहरी ने। हाँ लेकिन अस्वस्थ हो गया है, नहीं अब तो बीमार पड़ गए बेचारो। आज कार्यक्रम है उनका। आ? के का? हाँ रुक जा देखी दादा का कहा था है? का अच्छा सुना सुना चला मानत हो जाए जो मानत हो जाए का। हाँ लहरी उस्ताद आजकल अस्वस्थ है। आज कार्यक्रम उनका सैदाबाद में उजाला यादव से है आज। नहीं नहीं लहरी साथ में गए हैं, साथ में गए हैं कि मतलब तब नहीं गा पाऊंगा तो तुम गाना। हाँ वही जाते से चचा हापी चंचल की तबीयत खराब रही, सरोज सरगम से गाना एक डला मरहन हम रहे साथ में, ऐसे गावत रहे बाबू जी अचानक चक्कर आई गए गिर गए हैं, तुरंत मंच पे खड़ा हो गए हैं। तेरी जिंदगी कौन भरोसा बा बतावा, 20 साल हो गए गावत, हमार अंदाज बगे 20 साल और गाऊ और हो बढ़िया खान पीन रही तब। हाँ अब इनकी कि नहीं हम 3-3 किलो घी तो न खाई पाओ। हाँ सोचा बतावत है कहा था है लेडी के साथ के जैसे ही जाए हमें करेजा लागा था, बिना करेजा वाले बैठा। हाँ जो छोड़ दिया वही झेलत है। हाँ बात बात आटे के कहाँ आए कहाँ गए का ले ला देख बा, जे जहाँ रहा खुश रहा हमार सुबह आशीर्वाद बा। कम से कम कमाई कमाई पर तो हिजन के ले जाए कि देव्या तो सोची ही कि चचिया ससुर के आज मेहनत सफल बा। चुप रहा बच्चा एक बिरहा हमसे सुन ले आप सब हास रस के ठीक बा। गीत पौराणिक भी हुई रामायण से भी हुई लेकिन मजेदार के भी रहा हो। हमारे बुजुर्ग लोग बैठा है अबे तक तो वीर रश्मि भाव आप लोग सुने दोनों कलाकार से मिजाज बन गया। हम कहे अबे नहान बुढ़वा ही समझते हैं, हम कहे तनिक ही जमाने की झलक दिखाई दे ऐसे तो छोड़ क्यों बनी बाटी हमें। हम सच्चाई मंच पे बतावा छे दोस्त, मंच पे बतावा थे सरस्वती का कसम मंच पे। आज जो भी मैं हूँ हम अपनी पत्नी की बदौलत हूँ। अगर ये बाडी बनी बा शरीर अगर इस काबिल है, विदाउट नशा का कलाकार हूँ मैं प्रयागराज में, कोई नशा मेरे अंदर नहीं है। ये बात हम सैकड़ों मंच में बोली थी, कच्ची सुरती तक नहीं खाई दोस्त। 20 साल हो गया अब पत्नी का प्यार दुलार है बराबर देखभाल तो बेचारो हमका खियावे के चक्कर में अपना नहीं ध्यान देते। हम तो मालिक सिंह मनाई के हे परमात्मा दुनिया का मालिक, अगर धर्म पत्नी जे का दिहु दया दयु हमारे मलकिन की नहीं। कभी सोना
सच्चाई बता रहा हूँ। इस घर गा के जाता हूँ, कभी हम बिना खाए सोवे नहीं पाई। जरूर हमरे मैडम जगाए कहीं खाई ले तब सोवा। घर में तुहार पूछ बढ़िया है, मिला तू कभू मिले के नहीं प्रयास करू, पगलो कभू अब करे, चिंता ना करा, 20 लाख का घर बनवावे चलते है। अब बढ़िया गृह प्रवेश कर, सारे जनपद के कलाकार को आमंत्रित करे, तब जवन है वही बढ़िया भेंट करूं। एक बिरहा वाक्य सुना आपको, तमचिया बैठी दक्ष कुआरी, तमचिया बैठी दक्ष कुआरी, अरे का कही कहे त्रिपुरारी गौरा कस कैलू सिंगार, अब ले आप सब बनारसी अंदाज की बिरहा पहले राउंड में सुने। हम उतना बढ़िया तो नहीं गाई पाई, लेकिन जो कुछ टूटा फूटा सहूर था सेवा कही दे आप सबको दोस्त, लेकिन अब प्रयागराज के अंदाज में बिरहा सुन ले आप सब पुराने भाव में। देखिए आप हो रहे के बेला बा, ई पुरान बिरहाया हमरे गाना के शीर्षक बा, एक दुल्हिन और दुई दुल्हा। सोचा कैसे होए, बोला ना दादा तू बोले परमिशन ई लेखपाल साहब हमका दे है। ये सब हमारे भगवान हैं, सब ईश्वर हैं हमारे, समझा? ऐसे सेते के भैया थोड़ क्यों बन गए है, काजनी कितना झटका झेल के बना गया है। ध्यान दे आप सब, न बोलिए अब लेखपाल साहेब बुजुर्ग हैं, और हिंदू धर्म में कहावत कहे कि जितना बुढ़ा थे दिमाग कुछ कम होता, हाँ, और मुस्लिम धर्म में जसद बुढ़ा थे अंडा पराठा खाए के एकदम दिमाग बढ़ा था। हाँ, भोरहे बेला बदोस माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जग गए, भगवान भोलेनाथ पार्वती कहने दुल्हिन ए दुल्हिन कने के जग जा उड़ जा। बोलिए नाथ क्या बात है प्रभु, बोला तो कहन स्वामी ई का बात है, कहन हम तनी जंगल घूमे जात है, तनी को चूल्हा चौका बर्तन करा, दुआर उआर बहारा, हम आखना पार्वती लेके झाड़ू दुआर बहारे लागे, और चूल्हा चौका बर्तन माच के बाबू जो करे बाल लई के कही और कंघी बैठ गए। लेखपाल साहेब ध्यान दई, दिन आवे वाला बाप के सामने, भगवान जाने ये दिन आवे वाला बा, दिनेश माई पार्वती श्रृंगार कर दिया है। अब तो उससे हम दिनेश बोल नहीं सकी थी, तू हमरे गांव देश के बेटवा भतीज है, हाँ बाकी से मतलब नहीं बा हमका, हाँ तो इन समार कुछ बात दोहार ठीक रही। ध्यान दाप लड़के का कही बार झारत है, लड़के का कही बार झार दे तने भोलेनाथ आई गए। अजय भोलेनाथ आई गए ना भाई साहेब, अजय मेहरारू सिंगार करें, सोना ये कोनो गलत बात नहीं समझू, जो हम बतावत हम यही है कि हम चित्रहार बताए, सच्चाई बताई, एका हम जोन बताए थे का मन के अंदर सोचा एकदम सही रहा था। दिनेश मेहरारू सिंगार करें, अब मरद देखा हाथी साला जो सांप लोग दादा सही कहते ना, मेहरारू सिंगार करे चाहे चाहे मजे उम्र धारे जा। अरे यार मर्द कवन की जिक्र करे जा, ऐसे ऐसे भोलेनाथ माता पार्वती के सिंगार करे जब देखे ना, तो कहां कर आज के करे ऊपर बिजली गिरी, कहां बिजली नहीं चिरनी, कहां के था बड़े सिंगार करती है, कहां यही नहीं जान पाया, आज मृत लोग चलब कहा कहे नाथों में नाथ है। सुनी तू सब देवतन से तू बड़ा है, लेकिन मनाई से हार जात है, कहीं बात बट टेरी कलाइन बा प्रयागराज वाली। आए हाय हमार बुजुर्ग लोग बैठा है, दिखाई रुके रुका रुकर हमका बोल ले देता हूँ, हमार बुजुर्ग लोग बैठा है,
जमन टेरी हम सुनावे चलते ही दद्दा हरा, आप सबके जवानी वाली टेरी है। अब आजकल के गवैया नहीं सुनाई सकते, यही बरे कुछ पुरानी लेके टहरत है, नई की पुरन की सब लेके टहरा, जब मिक्स में बेचा जात बजैया हर प्रकार से कीमत हो। आप सबके जमाने के टेरिया दादा पंधारी का गावत रहे, आए हाय अरे रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाए, रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाए, रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाए, रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाए। शिव जी लिंग पूजावा, शिव जी लिंग पूजावा, शिव जी शिवजी लिंग पूजावे विष्णु आपन अंडावा, पुजारी सारे पंडावा भाए, शिवजी लिंग पूजावे। भगवान भोलेनाथ कैसा देवता है, इनकर मूर्ति की पूजा नहीं हो, पूरे दुनिया में लिंग का पूजा हो। शिव जी लिंग पूजा में विष्णु आपन अंडवा, शालिग्राम जो चरामृत में बोरा जात दादा पंधारी गाँव तक, शिव जी लिंग पूजा में विष्णु आपन अंडवा पुजारी सारे पंडवा, पंधारी दादा का टेरी रही। हैदर उस्ताद एक लाइन गावत रहे, अरे झारा भाई दू लड़ावा दुई नौ जन का झारा भाई, झारा भाई झारा भाई दू लड़ावा दुई नौ जन का झारा भाई, माने पाकिस्तान, घंघरा मतलब चीन, अपने अपने ले जा सम्राट हरे। नहीं सोचा कि हम का दोनों ककवर नहीं लावत बे, हमसे तो उससे लोग कोनो लेन देन नहीं बे, उनकर बुरका भारत उनहू घंघरवा दुलरवा दुनो जन के झरबे, पार्टी में सब जने बैठा है कलाकार गायब है, अच्छी बात नहीं है, ये बढ़िया नसीहत होनी चाहिए और बैठा सब लोग फिर अच्छा अच्छा कोनो बात नहीं बा, भगवान करे, हाँ अच्छी बात है, ठीक बा, हो जात रहा था बाबूजी, इतनी थोड़ा बहुत तालमेल गड़बड़ात रहा था, अंडमंड हो जात क्यों क्योंकि कोनो बात नहीं बाटे, कि तो बरल गान वगैरह देख लें, ध्यान दा आप बाबू जी कहीं बटवाए अब दर्द है, देखा है मुन्ना इधर देखा बोलावा बा दवाई हमारे पास बरल गान ले है, ध्यान दा का करे, हम जानते हैं तू गड़बड़ावे ना, यही बरे ले आए रहे घी निकरत बा आजकल हमका पता है, ध्यान हाँ उनकर बुरका फारब, बुरका माने पाकिस्तान, घंघरा मतलब चीन, ये उस्ताद गावत रहे, अरे कही गई पलम से हंस के बतिया कहें, अरे तगौरा कहें कि भोला के मारल तोरा मतिया, माता पार्वती, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से छैलाई गए, मेहरारू मेहरारू अगर तनिक बिगड़ जाए तो अच्छे अच्छे मर्द हालत खराब हो जाए, तनिक नखराई जाए बस, कितना बड़ा रुआ भी हो सारा रुआ मेहरारुए गा के ठंडा हो तो, हाँ कहो अशोक एक दाई जहाँ तीर के बोल कहो सारा भूख ठंडा हो जाए,
माता पार्वती भगवान भोलेनाथ सिंह गुस्सा आई गई सुना हम मृतलोक चलब तो चलब नंदी बैल का बोलाये भगवान भोलेनाथ कहे पट्ठे आई जा देवी आज हमार दुल्हन गुस्सा आएगी यहाँ आवा आवा अब बाबू सिंह नंदी बैल आए कहें दोहाई सरकार की कहें देवी मृतलोक घूमे चाहत यहाँ अब देखा आज के मर्द में और पहले के मर्द में फर्क का हो गया नंदी बैल पे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के बैठाए लेन आगे अपना बैठ गए दिनेश आजकल का मन से धुका करता है अपना बैठ थी आगे मेहरारू चली गए पीछे जब पीछे आए तो ऐसा करब करी सोचा कितना फर्क है ये आप जान ले अब माता पार्वती के बैठाए के नंदी बैल पे सवार हो के मृतलोक चल रहे जब मृतलोक चल रहे मृतलोक आई गए तब भोलेनाथ कहा सुना दुलहिन मृतलोक बहुत बड़ा हम कितना तोहका घुमाऊ कहा तब नाथ कहा कुल का नजारा अगर कई जगह हम दिखाई दे इतना ही ठीक बा दिखाई दे कहा एक काम करा नंदी बैल का गायब कई दे माता पार्वती के कहनी जोन महुआ के डार देखाज भाई हिम तू सुगनी बन के बैठ जा हम जमन करब हमका करे दू तू तनिको बोलू का ठीक बा का सामने जमन दुई तल्ला का मकान दिखा दे बा चार गांव का माना जाना चौधरी लालचंद पाड़े का मकान कहे तब का चौधरी अब घरे नाही यहाँ चौधराई न खेले घरे यहाँ चौधरी पोखरा में स्नान करे गया है हम चलते हुए लहान बैठा हुआ माता पार्वती कहे लहान अच्छा एक बात बताई दे लेखपाल साहेब मेहरारू भाई साहेब काठे को सबत नहीं बर्दाश्त कर भगवान जाने सच्चाई बताओ थे यशो अगर मैडम के आगे अपने कोनो गायिका की बड़ाई करे अरे बड़ा मुस्कुरा दे हकाया ये बरे हम कैसे रहन गाना अरे रहा हो का करबू तू सब इसने मार काम आई अटे अरे हमका पता बस वो का हमका खूब जानत थी अब खुलवावा रहा समझे कुरान साथी है जाए दे भाई रे देखा बोल दे माता पार्वती कहीं जवन करे हिसाब से करे कहा ठीक बो सुगनी बन के डारी पे बैठी है चौधरी गाँ स्नान करे चौधराइन रोटी बेल दिया आई भोलेनाथ करन का लाल चंद पाणन वाला रूप बना लिया तुरंत निकुरा खान चाल ढाल बोल चाल काठी बाठी बनाए के एकदम दुआरे पहुंच गए और गावत यहाँ चौधराइन हाय हाय मुन्ना ये सब हम काट दीन बेटवा अरे कोई झरना भैया चौधराई नहीं है गावत छैन कि हाय हाय अरे कोई झरना अरे कोई कोई झरना कोई झरना कोई झरना कोई झरना बतावई महाराजा तू बतावा के आई कोई झरना बतावई झरना बतावे महाराज कुनवा पे आई चले कहा डान के बलमुआ के अरे मैका बखान अरे नान के बलमुआ के अरे मैका बखान अरे जवन दिया नहीं लेसाने सो जाय हो कुनवा पे आई चले पीछे उधर आई रोटी बेले जाती है उगाए जाती है इतने में चौधरी बन के भोलेनाथ वह केवाड़ा खटखटाइन दे चौधराई ने अरे तनी कच्ची पक्की रोटी बनाई के हमका जल्दी दे हमका पंचायत में जाए के बा
चौधराइन सोचत यहाँ की अबहिन तो स्नान करे गे भाई बहन कितनी जल्दी नहा के आई गे केवाड़ा खोल दिन केवाड़ा खोल दिन तो भोलेनाथ अंदर हो गए। आ जब अंदर हो गए तो चौधराइन बनवे लागिन भोलेनाथ लालचंद पांडे बन के धीरे धीरे जना कोहबर में मुँह जुठा रहे बैठे आधा चौधराइन के देखे जाता है आधा गाय आधा देखे जाता है आधा खाए जाता है। इतने में कुछ देरी के बाद जो असला मन सेधु रहा केवाड़ा बंद बहर असला मन सेधु लालचंद पांडे धोती गारा तो पहुंची आए और धोती डाल के कहा ए कलुआ के अम्मा अरे दुई कवर बनाए के जल्दी दिखाई के हमका एक ही पंचायत में जाए के बा चौधराइन घरे में सेवा देती है कि जे के वह खड़ा रहा अबे हमारे अपने भाई शंका अच्छा ही बतावा अगर मन से दू घरे ने रहा कौन दूसरा घुसुरा रहा है हाँ मान ले ये बजावे चला जाए संजोग से हाँ आसमन हो जाए तो अब मामला तेहर और हो जाए मोबाइल लगी है साला के आई गे अब बतावा लालचंद पांडे कहा था अरे कलुआ के अम्मा हाँ हाँ अरे बोल चौधरी हाँ 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 हम कई दिन भैया देख के वहाँ खड़ा रहा अबे हमारे अपने मामला फंस गया मामला फंस गया लालचंद पांडे सोचता है कौन सरवाई आई गे जंगला से झाकिन तो भोलेनाथ रुके भोलेनाथ बैठ के जना मुंह जुठा रहता है ऐसे में लालचंद पांडे जब देखे तो कहने ओहो लागत हमारा भोलेनाथ कहे जय हो यही मितलोक बहनो नाई बनाए सार पहले बने लालचंद पांडे सोचत है का कहता है यही लाइन में कहे कौली ओरी राम पत्थर पर डूब जामा ओरी राम पत्थर पदू भजामा हमका जनान आयन बचावा के मामा कौनी ओरी राम पत्थर पदू भजामा हमका जनान आयन बचावा के मामा कौनी ओरी राम पत्थर पदू भजामा हमका जनान आयन बचावा के मामा अरे हो मोरी सावर 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 गोरिया भोजना बनावा चाट खार अरे हो मोरी सावर गोपाल अभी वो लड़का बजा रहा था इलाहाबादी तो तुम औरत से बतलाने चले गए यही बड़े कहना बा भोजन बना इनका 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 सब कितना पकई दे है गोपाल डांट डांट के कि चाहे जहां रही लोहा की नहीं पक गए हैं एकदम तभी तो आज स्टार बना टह रहा था है मेरे यार कलाकार हूं भोजन बनावा हमारे अलावा तो का सबको कुछ कह नहीं सका इसलिए कि मैं पाला हूं तो मैं कह सकता नेवता नहीं इनका हम टार्स उठवा दे तो पागल है नेवता के बात करता भोजन बनावा छटकार ये अपने भी है हमका नेवते नहीं देखी के इनकर मम्मी रोज बुलावा थी हमका हम गल सच्चाई बतावत है यार रास्ता से गुजरब तो तुरंत कहा दे ए देवर जी आइए बिना चाय पियन के मम्मी खाते से नहीं जाए तू बुलाए ले कबो लगाते ध्यान दे बाबू जी भोजन बनावा छटकार अरे हमारी सांवर गुरिया ई भोजन बना छिमल आई भोलेनाथ धीरे धीरे बाबा खाता है इतने में घंटा दो घंटा बीत ये कहना रही कैसा सार है घरे में घुसूर के नहीं करते नहीं बैठे जेकर बहिन अंदर ओकर भाई अच्छा ही जान ले पाल साहब रिश्तेदारों को यो प्रकार को हो देखा जैसे चूल घुसुरा आंगन बटोरा खिसनीपुरा छक्का
चूल घुसुरा के होत जानता है सार होत प्रत्यक्ष प्रमाण बन सार जे अब बहनी और अगर गा हाय साहेब बहनी के सास मिलिन कहन अम्मा जीत रहा बेटवा जीत रहा अम्मा ए जा तो दीदी अंदर ही हां गा फिर चूल्हा चूल्हा था ना जब बहनिया देख अरे हमार क्या है एक बात बताई गई सोना नैहरे के पगलौ पंछी प्यारा होत अगर पस पंछी दिखाई जाती तब अब जैसे हमारे हम देवगलपुर में गावे आई है अगर अगल बगल बरातर भिदूरा लाहौर तारा या मतलब डेरा गदाई तक अगर बहन बिटिया कोनो कीन हुई कान में आवाज जात की कर गाना त्रिभुवन हमार भाई लागत ई भाव होत तो नैहरे के माटी प्यारी होत है तो चुल घुसुरा आंगन बटोरन भैने मामी मामी ए का बच्चा तई आंगन बटोरन भैने मामी से अपन दुलरा थे खिसी पूरा फूफा का यार फूफा बे मतलब के है यार फूफा होई के झक्कन झक्कन संधि होती दादा बुढ़ाई दाऊ संधियाने जाए तो तेरा मिल्क दाढ़ी बनवा बट और सुनी बात दांत कितने उखड़ा रहा है लेकिन ऐसे देखी थी कयार मोर संधिया बनाई दिखाना अब संधिन चाहे बुढ़ाइन की हो बेचारा अगर एक दाई देख ले तो संधि टाइट हो जाता कस दादा कही अबे कहा अबे हम बुढ़ाई गए कहा कि तो अपने आप को बुढ़वा न मन ही समझिन के आगे तो झक्कन समझी तरसने तारो कईयो प्रकार को होती आई लाल सिंह पाड़े सोचता है कि इसार कौन सार आटे ये अपने बहनी के लेके दो घंटा से सार खाते ही बे चुप परसों जवन खार भाई की अब का बताई भाई साहेब मंच पर ना बोलवावा हमका दिखाऊ भाई आखी मुना पहले आखी मुना और आखी मुना तू ए बाबू से करेजा धड़काई दिए थे दिखाई के पगलौ हां कद हीरक तो ए बाबू जी ए हर तबले लालचंद पाणे मैरिन के वाणा है मैं एक देश नाद खुल गए ना जब अपन रूप देखिन बैठा ना तो लालचंद पाणे कहे पहले आप कौन हो तो भोलेनाथ नहीं कहें पहले तुम बताओ आप कौन लाल सिंह पाड़े कहता है हमार मेहरारू हमार घा भोलेनाथ कहे पहले से हम आके बैठा है कि तई तो हमार मेहरारू हमार घर बक तोर अब वही लाल सिंह पाड़े अलग खींचता है भोलेनाथ कहा त्या कतई नहीं एकरे साले के लगे जाऊ जी इशरे लगे जाऊ जी असली हम है अब लाल चत पाड़े कहा था अरे कलुआ के अम्मा हम तो भूल गए रे का बोले रहे का बतलान रहे हम तो असली मन से दू है चौधराइन सोचत यहाँ कि अब नहीं अब बना ये कहा था कि हम असली है वो कहा तो बकी अब हम बड़े चक्कर परे हो क्या बा यही लाइन में अरे गेहूं आ जाओ चौरा के राय नहीं ले गेहूं आ जाओ चौरा के राय नहीं ले ये दूल्हा पे राय नहीं ले गेहूं आ जाओ चौरा के मयो चौरा के राय नहीं लेती उसी में एक ही दुल्हा पे राय नहीं लेती अरे हो मोरी सावर 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 गोरिया हो जना पनावा मामला फंस गया दो मन से दो के बीच में
अब बेचारी केकर बाह पकड़े लाइसन पाड़े के पकड़े की भोलेनाथ के पकड़े मामला फंस गए चौधराइन बड़े चक्कर पड़ गए दुई बीघा दूरी। आजकल का देख ला सास ससुर घर कितनो जजात ज्यादा दादा बने गई समाज के बात बतावत है का जान ला त्रिभुवन के एक को बात रांग ने निकली बाबूजी भाई ते आपके आगे के लड़का लेकिन आज समाज के जो समाज बीतत बा वही हम लोग बतावत है कितनो बड़ा महल अटारी बनवाई दे लेकिन तल्ला दू तल्ला बनवाई दे लेकिन बुढ़ाई दाम मड़हिन मिलत है सही बात ना मड़हिन मिलत है। एक जने बार सोना तीन चल्ला बनवाए रहे और गए हम उनके वही घर के आगे जौन है मढ़ही डाई रहे कि हिमा की रात कहा थे हमरे अम्मा बाबू रहते हमके कह यार इतना बढ़िया बिल्डिंग बा महतारी बाप कहाँ इनका सांस फूलत है। अरे वो प्यार अगर वो प्यार देबे करा कैसे का सांस फूले लेकिन दोस्त मेरे दोस्त इस समाज के दशाया है ये आप जान ला बुढ़ाई दाओ महतारी बाप की यह दशा होत है दुई बीघा दूरी बुढ़ाइया है खरियाने पे बुढ़ऊ बुढ़िया हुआ है चौधराइन पहुंच गए कहे नम्मा आज गजब हो गए कहे बोला का भदुलहिन कहे नम्मा सही सही बताऊ तोहरे पास कई बेटवा है कहे अरे दुलहिन 35 साल बियाह भय हो गया कब हम ये सवाल नहीं करू आज पूछत हूँ कि कई बेटवा है अरे हमारे एक बेटवा लालचंद पांडे अकेला है कहे अम्मा नाराज न हो एकाठी कहूँ अरे करे अरहरी अरहरी का बात करती है भाई दाऊ यही कर हम गले में हीरा है भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं कहा अम्मा नाराज न हो एक रूप के आज घरे में दू जने घुसुरा सोचा तो बूढ़ा या कहे तई क्यों को बुलाए रही होबे कहो सो क्यों को बुलाए रही होबे तब ते आई यहाँ कहे नम्मा अगर तू भोलेनाथ के भक्ति न हो तो हम विष्णु जी के भक्ति न हम क्यों थी नहीं बुलाए रहे एक कई रूप को दू दुई मुस्टंड आई यहाँ समझिन नहीं पावत है कि हमारा सली कवन बुढ़ाई या कहे उन्हें साथे कुछ कौनो खिलवाड़ कहे नहीं हम डर कमारा क्योंकि लगे जाती नहीं कहन चला ई काम तो दुल्हन तू अच्छा नहीं करू कहीं चला अम्मा अब बुढ़ाइया भाई साहेब अठन्नी भग टिकुली लगाए डबल बीरा पान खाए लमका सरौता गोलकी सुपारी और भोला जा फुरानी अशोक इहू इहू गाले और इहू गाले एकदम गोल 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 ऐसे एकदम जमाए चली जाती है भाच भुच मार आई चली जाती है और दोनों बेटवा खड़ा है चौधरानी चली जाती है इतने में भोलेनाथ पहले बोल देहन कहन अम्मा पाला दी कहे जियत रहा बेटवा जियत रहा कहन माई एक चीज ई बताओ काल जब तो बीमार रहे है 7.5 रुपया के दवाइया ले आई रहे आराम कहन हाँ बेटवा आराम है आराम है। अब अशिला मन से धू जमन लालचंद पांडे इस मुचत बकिए भगवान यही दवाई तो हम ले आए रहे इस ससुरवा कहाँ से आई है पहले न कतरे पड़ा बाट है कहे अच्छा कहे ये बात कहन हाँ कहन हमेश न मानब अय्या कहे हमेश न मानब कहे तब कैसे मनबे कहे बचपन में हमारे बेटवा के दहिने गोड़े से दहिने जंघा पे 1 रुपया लक्षण बा और जेकरे होई वही हमारा असली बेटवा भोलेनाथ पहले खोल के दिखावत देख माई देख अब असिला मन से दू सोचत बिकसार यही दाग तो हमारे सरवा कहाँ घर थोवल करत बाटे पहुँच इतने में अय्या के दिमाग चकराई गई अय्या कहीं का कहत यहाँ अरे मोर प्यारी दुलही उस्ताद हैदर अली गावत रहे कि अरे सिया दुलारी बिछिया अरे सिया दुलारी बिटिया कि अरे मोर प्यारी दुलही आपन चीना तू साजनवा प्यारी दुलही आपन चीना तू साजनवा प्यारी दुलही I'm not afraid of the dark.
की सुना, ये दुल्हन हमार दिमाग काम नहीं करत बाटे, अपन असली मन सीधू तू ही पहचान सकत। अब अय्या चली गई खरिहाने, चौधराइन चक्कन पड़ी के दिन तो बीत गए भगवान, रात कैसे बीती। अरे बाप, इनहन जब खाए पी के एकदम टंच हुई ही दादा, जवन मार कर ही हम करब का, वही चौधराइन दिमाग लगाई, दोनों मन से धूप खाना खियाइन, खाना खियाए के बाद देखे मोंगरा उठाइन, मोंगरा उठाइन, अब हुसौली वाला एक ठीक कमरा खाली रहन, दोनों मन से धूप बुलाइन कहीं नहीं आवत जा, वही ले जाएगी हुसौली वाले कमरा में ले गई और केवाड़ा बंद कर ले, केवाड़ा बंद करके लई बेड़ा खड़ी है, कहे सुना केवाड़ा बंद करिन, कहन कहन हम तनिको झूठ जिन बोलत जा, जल्दी से हमका ये बताई दे कि ये दोनों जने हमार असली मन से धू, भोलेनाथ कहे हम है, हम है, लालचंद पाड़े कहा तहाँ है, चौधराइन सोचत यहाँ कि के का हम समझी कि हमार दोनों तरफ झाकत यहाँ ते एक कई रूप के। अच्छा ही कार्यक्रम के मलिकार धर्मेंद्र यादव जी लेखपाल साहब जिनके तिलक उत्सव में आज हम लोग शामिल हुए, बहुत बढ़िया आपने प्यार दुलार दिया अपने दरवाजे पे, लेखपाल साहब सोनभद्र में आप कार्यरत हैं, भैया की इच्छा थी कि दरवाजे पे कार्यक्रम हो और कार्यक्रम लिखावे, जब ये गहन राजेश ढाबा पे मुलाकात हुई, हमने कहा आइए स्वागत है आपका, लेकिन इतनी तेज लगन रही भैया आज के क्या बताएं, कम से कम 100 प्रोग्राम से कम न लौटा रहे हो, लेकिन आप लिखे के बात, लेकिन हमने कहा जब बात हो गई तो एक दो बार तो सुनो, हमारे लगे फोन कहीं कहें भैया उच्छा वाला पक्का बा, हमके कहा कच्चा समझे यहाँ कहा, हाँ कहे नहीं और प्रोग्राम आवत, हम कहे और प्रोग्राम को चक्कर में ना पड़ा, ना पड़ा तो कार्यक्रम फाइनल हो गया, हाँ जहाँ नसीब है वहीं चलना है, अन्न पानी आपके यहाँ आज बता था हम लोगों को, एक रुपया का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, ये पूर्व जन्म का कमाई है, आप इतना बढ़िया अच्छे पोस्ट पे आप पहुँच गए हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आप धन्य हो गई दोस्त, और नमन है आपके माँ बाप को कैसे सपूत को जन्म दिया। बात कहाँ पहुंच रहे हो? अच्छा चौधराइन कहा कि ये दुल्हन, बुढ़ाइया कहा दुल्हन, आपन मन सिधु पहचान ले, हुसौली वाले कमरा में लग गई बंद कर के लागिन दोनों जने से पूछे, कहा जल्दी बताई दे असली के है, भोलेनाथ हम है, लालचंद पाड़े कहे रे कलुआ के अम्मा, असली मन सिधु तोर हम ही है रे, हम पोखरा में स्नान का करेंगे इस सुरवा मौका पाएगी घुसुरी, इंडिया छाप मेहरारू इंशाल्लाह सेते में आके घुसुर गया। चौधराइन कहा अच्छा तू कहा था हम है, ये कहा था हम है, कहा सुना हम कुछ पूछे चलते ही ओका जे बताई ले वह हमारा असली मन से धू मास्टर तर्जमा हाय 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 मास्टर हाय हाय लहरी काका गावत है कि हाय 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 कहाँ चला चली धान रोपई धनिया, कहाँ चला चली धान रोपई धनिया, कहे रिमझी मारा सतब पानिया, चला चली धान रोपई धनिया, रिमझी मारा सतब पानिया, चला चली धान रोपई धनिया, रिमझी मारा सतब पानिया, चला चली धान रोपई जाता है कि चला चली धान रोपे धनिया, ये हमारे बुजुर्गन के गीत, ये बिरहा हमारे बुजुर्ग लोग कितनी मेहनत कर किसको सींचे हैं, करताल नहीं, हमारे पिताजी बतावें, मेरे पिताजी भी गायक कलाकार थे अपने जमाने में,
कहे बिटवा विरह में बड़ा संघर्ष हुआ है और यही संघर्ष से आज मैं विरह प्राप्त किया हूँ दोस्त। मैं भी विरह के पीछे बड़ी मुसीबत उठाया हूँ। चार चार पांच पांच दिन मैंने खाना नहीं खाया है विरह के चक्कर में। ये जान लीजिए नया नया कलाकार था सच्चाई बतावत ढोलकहार पे टिहार नहीं मिलत रहा। दिना ब टहार के साइकिल से आप तो मोबाइल चल गए दिन ब टहार के सहेजी संझा की वो न करे कहीं करे लौंडाला पाली के साथ के जाए यार देख के वो संघर्ष वो जिंदगी मैंने झेला है। आप तो यूट्यूब का कैमरा लगा बस सवेरे डाल देबा भाई साहब सब लोग जान जही नए नए कलाकारों का उस जमाने का मैं कलाकार हूँ कि ऑडियो कैसेट जब बनती थी हम लोग कैसेट बनवाते थे दुकान दुकान जाकर अपने से बेचते भी थे डिग्गी में भर के कि भैया ये हमारी कैसेट आई है इसको बेचिए। ये सब संघर्ष की बात है जो अगर कोई चीज मेहनत करके हासिल करोगे तो उसका अंजाम बढ़िया होता है। इंसान आओ आज हमारे बुजुर्ग लोग बिरहा को कितना सीचे हैं मेहनत करके तो इसीलिए कहना कि चला चली धार रोप धनिया रिम झिम बरसत बपनिया चला चली धार रोप धनिया कहे झूलनी उतार ले धनिया कहे कुआ नापे भर बुपनिया झूलनी उतार ले धनिया। लेकिन चौधराइन दोनों मन से धुस का कह दिया है कि अरे पत्ती कम बका एक हमसे जरूर आते मुन्ना राजा बहुत अच्छी बेटा यही है हाय 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 कहा अरे उहई मोर दुल्हा कहाई अरे उहई मोर दुल्हा कहाई हमारे गवन का बात जे बताई उहई मोर दुल्हा कहाई गवन का बात जे बताई उहई मोर दुल्हा कहाई हमारे गवने के बात ये बताई उही मोर दुल्हा कहा है। दोनों मन से चौधराइन पूछती है कि कौने दिन हमार बिया भरा कौने महीना में हमार बिया भरा कौने दिन हमार सुहाग रात भय रही। अच्छा 35 साल जब बिया भय हो के तो केका याद होई बेनी मालूम है याद है हम मोक भाई देखा हमका एक बात याद बा केवल 19 अप्रैल के हमार शादी भई रही 20 अप्रैल के सन 2000 दिन नहीं याद है सोना शुक्रवार के दिन हो भाई आप जो आप भगवान करे याद नहीं आप अपन याद रखा इसने तुहार याददा उही दिन पूर्ण बहुमत से शायद मायावती जी की सरकारों बनी रही एवं आप सरकार बनाई दे ध्यान दे दोनों मन सेधु से चौधराइन पूछत यहाँ कि कौने दिन हमार सुहाग रात रहन कौने दिन मतलब बिया भरहन पहले असिला मन सेधु का नंबर लग गया जल पाड़े का और बतावत का है कहा एगहन का महीना रहा रानी माना बतिया एगहन का महीना रहा रानी माना बतिया का महीना
बाप रे बाप असिला मन सिधु बताए कि एगहन का महीना रहा रानी माना बतिया अभी है के लैयावा एतवार वाली रतिया हां वही चौधराइन दिहलिन नहीं आई चौधराइन बिगड़ गई अपने मन सिधु को रट हाँ हमारे गहन के महीना में बिया भरान रे कहा हमारा इतवार के दिन सुहाग रात रही मन सिधु सोचत बग बिया हम है हम का डाटे बिगड़ बढ़ाई का यार भोलेनाथ बगल में खड़ा है कहे का बात है दुल्हन कहन बतावा कौने दिन हमार बिया भरान कौने महीना में कौने दिन हमार सुहाग रात रही कहें भोलेनाथ कहें हम तो पहले न बतावत रहे ना कि ई न बताई पाई असिला जब हम ही थी कहां से बताई पाई और दुनिया का मालिक है चाहे जेकर अकेले गुम कह दे हां अभी भोलेनाथ ने जब नंबर आए तो ओ का बतावत है कि फागुन का महीना रहा रानी माना बतिया फागुन का महीना रहा रानी माना बतिया बाप रे बाप भोलेनाथ कहन फागुन का महीना रहा रानी माना बतिया अभी है के लैयावा सुमवार वाली रतिया फागुन का महीना रहा सुमार का दिन रहा अब भोलेनाथ कहन सुमारे के दिन सुहाग रात रही जौने दिन सुहाग रात हो रही याद है ना 12 बजे रात खटिया की पार्टी टूट गई चौधराइन मुस्कुराई दिन के नरे जिया मोर राजा तो छीन लिया कहें तब बताए रहे कि असली तो हम है अब लाल सिंह पाड़े के शंका हो कि बिया हम है हमका नहीं पता कि लगत हमार मेहरारू नहीं हरिन में तीन पाँच इक्का साल का पता अजय अगर ऐसी घटना घट जाए बहन भाई शंका लाल चंद पाणे के कि बतावा हमका नहीं पता एक साले का पता बा या एक साला घुसुर की यही सब करत बाटे ध्यान दा अरे हर देखा यार वो सब बात फालतू न ध्यान दे उनका करेंग का भी है सब फालतू बात केहू की इज्जत ढाका करा करा खोला ना करा करा इनका का पता पगला कौनो लेडीज कलाकार लिया ही नहीं जाइए का जान लगा रही बक बैठो हाँ हाँ जेकरे साथे रहा ईमानदारी से रहा बढ़िया रहा ढंग से रहा एक बात खोला जिन आवाज ओकरे विषम कहता अकाल सोनो विषम कुछ कह सकत है मतलब इस बात ना है रांग बात बच्चा के भगत बयार हिया धरती पे कहो तो सब कहीं ना कहीं अपन है सिस्टम पे तू तोहार कुकरम तो हम जानी तोहरे बगली हमार ननिया और बा अब खोलम ना भाई हरन बैठा है जाए दे कोनो बात नहीं बाटे हां ए बाबू अब लाल सिंह पाड़े सोचत है बाबा असिला भगत तया है आवत है लाल सिंह पाड़े बाबू है ने ए बाबू बतावा लाल सिंह पाड़े सोचे तहां बिया तो हम है हमें के नहीं मालूम बा इनका शत्रु को मालूम बा मेहमान मेहरारू लगत हर हर रही हां अब भोले नाथ चौधराइन का हाथ पकड़े आवा चली इतने लाल सिंह पाड़े का तो कहां जा गया कहां जा गया हां कहां है अब मन सिधु केतनौ कमजोर हो एक बात जान ले पाल साहेब दुनिया में इंसान हर चीज मांग ले बताई दे लेकिन मेरे दोस्त बाबा सुनने वाले भैया केहू सुनने वाले दोस्त
दादा क्यों मेरे अपन दे क्यों ना भाई? आप बुजुर्ग है आप समझता हमारा चाहे कोरोना ही रहे तब न दे सुजीत दो दिन भरे केवल बुलाओ बा खाना भरे खाना बनो भरे लेकिन आवे देबे ना आवे देबे ना हम जाना थे दोस्त ई बाबूजी काय से धन दौलत हर चीज आदमी दे दे अशोक बाबू अशोक भैया लेकिन आप तो अध्यापक है आप तो बुद्धिमान आदमी है ऐसे सबसे मतलब ना आई क्यों दे ना बेअंदाज दोस्त केहू न दे लाल चंपाड़े सोचत बक इशार सेते में लेके चला जाए इंडिया टॉप मेहरारू अरे बाप रे बाप गोर गोर गाल अब हसत भी तो ऐसे गढ़वा भूल जात भी गल ये आप जान ले क्या गाल है शौखीन मेहरारू पहचान है ई शौखीन मेहरारू पहचान अरे भगवान जाने एक बात जान ले भाई साहब जमन तनी के आंचड़ा आंचल खैचल हो जमन तनी कैसे हो छिने उनका मेहरारू बहुत टॉप मिले खचा कई रहा नो के मेहरारू ना दादा पगलन के टॉप ही मिले छ हमरे बगलिया सोना हमरे बगलिया एक जने अच्छे हैं मेहरारू क्या बात मेहरारू चमन क्या बताए उल्टा पल्ला करे रहा था हम के करे सारे लड़ बहरवा खाते ही लग गए दुनिया का दस्तूर दोस्त लाल चंद पाणे तो बड़ा चक्कर पड़ गए भोलेनाथ कहे नावा चली दुलहिन चलावा शैली और लाल चंद पाणे खड़ा होकर कहा है लिया की जाता है भोलेनाथ कहे हमार मेहरारू और तई कहे चक्कर पड़ा कहा तई नहीं अब वही कमरा में लेख पाल साहेब भोलेनाथ अपनी तरफ पकड़ खींचे लाल चंपाड़े अपनी तरफ पकड़ खींचे अब वही कमरा में कहीं पड़े इस ठोका तो जना ही मेहरारू के गुलाई भागत बा नहीं एकरे कोरोना हो गया कोरोना सोचे हम कहे इतना ही क्यों लेके गए ए बाबू पटकी पटका शुरू कर दे अब चौधराई सोचत यहाँ गे भगवान एक कई मेहरारू बरे नहान परेशान हैं मेहरारू बरे तो यहाँ मर्डर हो जात वो तो पटकी पटका हो भाई साहेब चौधराई तुरंत ही दुन्नो को छोड़ के जाए गहनाती अरे लड़ाई मेहरा साया है ना लड़ा दहनाती गाड़ी है एक जने तो पढ़ा है इंजीनियर साहब तेलको कंपनी में वो तो 45,000 महीना उठावता है तेलको कंपनी में इंजीनियर हो गए यहाँ जे आवत बेटवा ओकर पोस्ट बढ़ जात है वो तेलको कंपनी में 45 लड़का 45,000 तनख्वाह उठावत प्रमोशन हो गया अब बाबू सुनी का जानी कई लगे पिजड़ा पकड़े इसका कहा था ध्यान दे आप छोड़ दी हिंदू मन से तुका लड़ा दही ना चौधराइन पहुंची खरिहाने सास सैया के लगे कहे नम्मा गजब हो ये कहन का बा कहन फैसला कर ली लेकिन मनते ही नहीं कहन तब कहन गाना भी एक सुन करीब ब देखा आप ध्यान दे यही गाना से हम विदा भी हो दोस्त आप सबसे इसलिए कि बलिया जिला प्रोग्राम मेरा है मीरा मूर्ति जी से तेरे ही का कार्यक्रम है 7 बजे वहाँ प्रोग्राम शुरू होगा घर पहुँचेंगे पार्टी वालों स्नान ध्यान करके फिर निकल लेंगे हम लोग ध्यान आप 4 बजे बा कौनो बात नहीं अरे ठीक बा सवेरवा कई देवा जाए पगली तनिक रह के अबे हमें खिगाई देते कि तू गाई दू बस सवेर हो जाए ओकरे बाद तब भैया पैसा खर्चा करे यहाँ जेकर लेवा करा जेकर जेकर खावा करा ओकर नमक अदा करा 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 प्रीतिपाल नहीं बिरहा गा के ना भागा करा करा भाई काले बिरहा गाइन कहे मेरी कमर दर्द हां ठीक है दर्द हां हम के हम ही गाय दिए थे भैया ध्यान दो सास रानी के लगे पहुंचिन सास रानी के लगे पहुंचिन कहन अम्मा हां नहीं फैसला तो कैली लेकिन दोनों मनते ही नहीं यहां कहे तब कहे अब एक काम करा 5 गांव से पांच आ पांच इनका छुट्टी अच्छा मतलब हम गाय दे हाँ अरे वो कथ हम जानते ही है प्रभु चला तुहार छुट्टी तू तोहरे पर मया गए हमारे ऊपर नहीं मया
एकने भी रावा ममाऊ कह दे होता गायन छुट्टी बाटे आ अरे अब हम दूठे तो एक ठेलिन दे थई यार भर में आ हमार नंबर तो नहीं है ठीक हां हां बिल्कुल हम तो चाहत हैं नहीं एक एक देखा शुरू हम करे नहीं नहीं आप ना बोला शुरू हम करे ही अंत से हो चाहे ई नियम है जोन विराह का ध्यान दा बाबूजी ए हर ना कहे पांच गांव से पांच बियादरी में पांच चौधरी बुला के ले तब फैसला हुई नहीं काका बैठा 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 ए बाबूजी अभी सास रानी चल दी हिन पांडे जी खिया खान साहेब खिया पटेल जी खिया तुबे जी खिया ए बड़कऊ ए छोटकऊ का बात कहे न रे जिंदगी में हमारे एक बेटवा लेकिन एक कई रूप के आज घर में घुसरा है दू बेटवा चार चौधरी मना कह देन कहन करे तोर घर के खिलौ ना या बताओ केहू के नारी चक्रोट चकनाली के मैटर अटका हो केहू के बिटिया पतो छूटत हो पैसा कौड़ी दे के सुल्ला सपाटा कराई दे हम का जानी सब बात अरे बाप चार चौधरी मना कह देन एक चौधरी बचा रहे एक चौधरी जात के यादव जात के यादव सौ मुठ भाई चरावत रहे उनका नाम रहे जग्गू यादव जग्गू यादव भगवान के देव एकदम ऐसन रहे एक आखी के फ्यूजे रहे एक आप जान एकदम इतने में पढ़ाइन काकी पहुंच गए पढ़ाइन काकी पहुंच गए तो पढ़ाइन काकी के जब जग्गू दादा देखे तो कहना पढ़ाई जब पहुंची कहा बड़कऊ हमारे जिंदगी में एक बेटवा लेकिन आज एक कई रूप के घरे में घुसरा है तू ही बेटवा चिंता ना कर पहचान है पहचान हो जाए जब भी दादा ठीका ले लेन सौ मुठ भैंस अजय चरावत है अच्छा नैनी चूड़ी गाए जाता है हाय हाय कहत है कतर कतर कौआ बोले कतर आखी मस्के गाएगा और कहा गावत है कहा लैली लसुरी झमक ले बाने लैली लसुरी झमक ले बाने हुवरी भाई सिया का बोल में साने एक शेर दूध हवा सवाओ शेर पानी एक शेर दूध हवा सवाओ शेर पानी लैके बजरिया में राम कैलाश एक लाइन गावत रहे नहीं में नमन है ऐसे कलाकारों को बाबूजी स्वर्ग में उच्च स्थान मिले बाबू राम कैलाश जी को कलाकार तो हमने इस धरती पे बहुत देखा दोस्त लेकिन बाबू राम कैलाश जैसा कलाकार मैं नहीं देखा जो छोटे कलाकार को सम्मान करे जो बड़े आदर भाव से गवाए दो बार मुझसे प्रोग्राम हुआ बाबा राम कैलाश जी से और मैं अपनी जिंदगी में उसी रात में मैंने हैदर गुरु से गाना गाया यहीं खाखापुर में रात में प्रोग्राम मेरा हैदर गुरु से था 2500 पब्लिक थी कमला नगर के बाबा टाइगर चांद बाबा जी के साले की बारात थी हम और हैदर अली गुरु जी प्रोग्राम किए गुरु चेला मिलके और उस्ताद बोलेन मंत्री पे कहन देख लो त्रिभुवन आज हमरे बदौलत इतनी जनता पाई गया अरे हम कहे बिल्कुल गुरु जी इसमें आपका श्रेय है मेरा कौन श्रेय है हमें के जानत बा बाढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने करें मरते मरते दोस्त कुछ पॉइंट मुझे बता के गए उस्ताद हैदर अली बोले कहें ज्यादा चिल्लाए से विरह नहीं हो ध्यान दे पड़वा समान नरिया थी बेटवा पब्लिक की मिजाज देखे चाहिए मार चिल्लाए से विरह नहीं हो
पब्लिक के बढ़िया जो समझा दे जो कलाकार कहानी स्पष्ट कर दे वही कलाकार है। तो बाबू राम कैलाश जी से सुल्तानपुर में स्वामी जगन्नाथ जी के भंडारे में प्रोग्राम हुआ, अपार भीड़ थी। वही शंकर जी ब्याह लागे गाँव जितनी रहे मेहरूबन नाचे लागे धन्य हो दादा। हम का बुलाए कहे नाती हियाँ आओ केकर बेटवा है ते तोर कहाँ गर्व हमके मवहरिया में दादा कहा थरवाई के लगे हमके हाँ कहे तोरे बाबू का नाम का हमके राम नारायण यादव कहे यार तोरे बाबू से हमसे भी रहा भा है हमके भा। तो आए सुबह पिताजी से पूछे कहे हाँ यार एक बार कार्यक्रम उनसे हुआ है प्यार दुलार मिला बड़ा आशीर्वाद दिए दादा राम कैलाश गावत याद झलक याद आ गई कैसे गावत ही कहे माघ बीता पूछ बीता बीता ये गाना पूछ बीता बीता ये गाना लतई फगुन पी लई आए गावा सोच त मोर लगे सो खाली गाना लहुरी न नदिया रे लहुरी लहुरी न नदिया बोला छ बोला नाही भैया आए दाना पानी के गाना भाई पूरा भैया वा बास यार अरे भाई पूरा भैया वा बास यार एक लाइन काका लाल जी लहरी गावत थी। ये दिल की आवाज है साथियों। कभी कभी बात होती है जन्म अगर देवकी ने दिया है तो पालन पोषण यशोदा ने किया है। यशोदा का दर्जा लाल जी लहरी मेरी निगाह में है दोस्त, ऐसे नहीं है। आज ही कभी कभी जज्बात में कुछ कह जाते हैं लेकिन जितना कलाकार का डाटा थे उतना मयाबो करत है। आशीर्वाद हॉस्पिटल में भर्ती थे डॉक्टर मनु यादव के यहाँ मैं देखने गया, कम से कम 50 चेला इकट्ठा थे उनके, लेकिन मुझे देखते उनकी आंख भर आई। सोचिए बीमारी हालत में थे जब मैं पहुंचा, सच्चाई बता रहा हूं अशोक जी। गुरुवाइन से बोली गुरु माता से बोले कि जरा चाय बोल दो, कुर्सी पे बैठाए कहा बैठो त्रिभुवन चाय पियो। अरे हम कहे गुरु जी आप भी पीजिए। चाय पीने लगे जितने चेले थे सबको बाहर कर दिए, कहा आप लोग बाहर हो जाइए। पता नहीं उनकी मन में क्या था, सबको बाहर कर दिए। कम से कम 5-7 मिनट अकेले में मुझसे बात किए। अब हमारी उनकी क्या क्या बात हुई, बिरहा जगत से ही बात हुई थी, लेकिन कहीं त्रिभुवन ये मेरे मन के अंदर कुछ बात है बेटा मैं आज कह रहा हूँ। हम लोगों तो नशा करके जीवन खराब कर दिया, लेकिन इलाहाबाद की बागडोर तुम्हारे हवाले है। हमने कभी किसी कलाकार को समझा नहीं, लेकिन इलाहाबाद के जनता इलाहाबाद के जितने छोटे कलाकार हैं सबका सम्मान देना, सबको आदर से गवाना। हमने कहा गुरुजी ये आपका आशीर्वाद सदैव मैं लेकर इसी ढंग से मंच पर पेश होऊंगा। तो नमन आज इन बुजुर्गों के ऊपर हम लोगों को गर्व है। काका राम लाल जी लहरी गावत थे कि अब किस अंदाज में गाते थे कि हाय 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 बिरहा जगत के प्रेमियों मन तले बुद्धि बुद्धि तले आत्मा कका की आवाज है कि हाय 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 वही लगाओ बेटा कहे पिपरा के पात बार रगा दवा छिया दोगा पिपरा के पात बार रगा दवा छिया दोगा हाउ जी तोरे लागी का जाए नवा का दोगा ताहुदार जान तू के रावे नहीं जान अरे ताहुदार जान तू के रावे नहीं जान तू ही अपने भतार का मिल नहीं काका गावत की हाय 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 अरे ना आना बुरा है आए लवंडे। ये काका कहते हैं इक्षिका को नाक बनाकर बाम पर फेंका करूं खींच लूं तस्वीर तेरी रात दिन बनारस गाजीपुर बलिया आजमगढ़ छपड़ा का कोई कलाकार लाल जी लहरी के आगे आज तक टिका नहीं। बाड़ी बिस्तुया सेरस ने जर्रा मेरा नाम लाल जी लहरी है जहाँ मोड़ी टेढ़ करन देकर समल लग मामला गड़बड़। अरे छोड़िए लहरी काका गावत की हाय हाय अरे ना आना बुरा है अरे ना आना बुरा है अरे ना जाना बुरा है आना बुरा है ना जाना बुरा है।
आने जाने में कोई बुराई नहीं है, असली बुराई कहाँ है? मन तले बुद्धि, बुद्धि तले आत्मा। नयाना बुरा है और नशाना बुरा है, अरे हसीनों से दिल का। कलाकार महोदय मेरी बातों को ध्यान देना, अरे हसीनों से दिल का लगाना बुरा है, हसीनों से दिल का लगाना बुरा सही बा विक्रम, हमरे मस्त हो गए। कहा था ये अंदाज है, नकल तो सब ही करे चाहत है, लेकिन कहा कैसे हो पावत है असली पनक जे रही वही से नकल। एक बात बताई जैसे, हाँ हाँ ठीक बता सही ले, कोनो बात नहीं भगवान, कम से कम तर्ज खुशी होगी। देहा यार इससे बढ़िया हमका आशीर्वाद का चाहिए। हमरे विक्रम यादव जी भैया हमार बड़ा पुरान साथी भी हैं, हमका 8 बजे हम मोबाइमा उचनौटा कुआं पकावे आए रहे हैं। गाना था हमारा और सरोज मौर्या मिर्जापुर का, तो हमको लालजी लहरी काका ने ही भेजा था, उनके स्थान पर मैं आया था। चूंकि उस समय वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, तो भैया हमारी बड़ी मदद किए थे, गाना मेरा बहुत जमा, लेकिन कमेटी वालों ने कहा कि लालजी लहरी को भेजो तब पैसा मिलेगा। हमने कहा नहीं, गलत काम किए हैं आप, मैं मेहनत किया हूँ, मेरा पैसा मुझे दीजिए, वो आएंगे तो आप हिसाब करना। शुरुआत में आप लोगों को कहना कह देना चाहिए कि मतलब आप मत गाओ चले जाओ तो मैं चला जाता हूँ। तो साथियों कभी कभी किसी चाहता है कि अरे पकड़ लूं मैं बाहों में अशोक, किसी चाहता है अरे पकड़ लूं मैं बाहों में, मगर सोचता हूँ अजय ये जमाना बुरा है। अभी लगाई द चुलिया में हुक राजा जी, इन्हन जमी इन्हन गाना के आगे कुछ भी लगावा, चाहे जमल फेबिकोल लगावा चाहे थूक लगावा, लेकिन ही बतावा हमारे बुजुर्ग लोग बैठा है ई पुरानी धुन में इन्हन अच्छी लगी है, आई और चली जाई। चार दिन चांदनी ये बुजुर्गों की थाकी है। हो इधर उस्ताद गावत रहे कि गईले ससुरारी, हो गईले ससुरारी, बुल्लू गुरु गावत कि हम पीरतिया करतियो न जनली, कि अरे जिंदगी जवान हो गई, कि हम पीरतिया करतियो न जनली, कि जिंदगी जवान हो, जवान हो, जवान हो गई, कि अब ही दूल्हा का चढ़ली जवानिया, अरे अब ही दूल्हा का चढ़ली जवानिया, की कोरिया पुरान हो गई, लेकिन बुल्लू गुरु बनारस में बुल्लू गुरु जाना, बुल्लू गुरु ऐसे कमर में हाथ लगाए कूटे कहा अरे लहा दे का यार, सबका हाथ दादा तनिक लहा दा, कहा अब ही दूल्हा का चढ़ली जवनिया, अरे गोरिया पुरान हो, पुरान हो, पुरान हो गई, अरे अब ही सजी आई पे आई के बैठली, अरे गोरियो उतोन हो गई। लेकिन उस्ताद हैदर गाली की हम गईले ससुरारी बन के दुल्हावा, अरे हमें कठी कमाल कह दिया, गईले ससुरारी बन के दुल्हावा, हमें अच्छी कमाल हो, कमाल हो, कमाल कह दिया। बेटवा सन 2000 में तोहरे मामा खिया गए रहे, एक खिया जान ला कि छोटका सरावा नहीं, छोटका शरावा नहीं, कि छोटका शरावा गईले ससुरारी बन के दुल्हावा, अच्छी कमाल हो, कमाल हो, कमाल कह दिया। छोटका शरावा जब लावा पर चल, छोटका शरावा जब लावा पर चल, हम ललकी रुमाल Oh, my God.
सात के झटका रहन। बाबा राम कैलाश के लटका बा कहीं जाना राजा जी यही है कहा अरे आज बड़ेरी बोलई कागा हो जाना राजा जी यही है। सुने वाले दोस्त बड़का भैया दुल्हन पेरता जैसे भैंस बिना चारा के पेरता। आजकल तो मोबाइल चली गए दादा, पहले मेहरारू कोनो मेहरारू के मन से दूर परदेश चला जाए चिट्ठी आवे और पूरा पूरा परिवार बैठ जाए और कोनो जानकार लड़किया को बोला ले ए राहुल बेटवा तनी नहीं आवा है काया काकी काया कहाँ देखा हमारे मंगरू पापा चाचा अरे दादी वियोग बा आय हाय रे प्यार बा प्यार जहाँ प्यार बा वहीं सब बा। बाबूजी आज प्यार का मतलब अशोक भैया अब हम दो चार दिन बरे कहूँ चला जा जरूर भुवाई मैडम हरण के निकलिया बता ना आत्मा से एक प्यार कहा दूसरे का बताई भाई ए अशोक दूसरे का बताई गंगा चैनल पर जब सिलेक्शन हम बम्बई जाए लगे जब बैग लेके भाई साहब निकले हमरे मैडम रोवे लगे सच्चाई बतावत है नाई बर्दाश्त हम हो रोई दी अशोक जानत रह ना हमारे रोवाई छूट गई प्यार दर्द जहाँ प्यार बा सोना ही दर्द बा दर्द कोनो मेहर रोए चक्कर में नहीं रोए तीन ठी लड़किया महतारी बा घर परिवार एक बात जान ले मन सीधू घर से निकल जाए अहो भाग मेहरारू कांचर में फिर पहुंचे। सुने वाले दोस्त एक प्यार कहा थे कि जना राजा जी आई जना मोर मोर दूल्हा जी आई जना मोर साहेब जी आई कहा अरे आज बड़ेरी बोलई आगा हो जना राजा जी आई आज बड़ेरी बोलई आगा हो दोस्त बड़का भैया बहुत अंदाज बल्कि तनके तनिक बताई के चलब नहीं तो समय ढेर हो जाई। ये तीनों बुजुर्गन का मामला रहा ना कक्का राम कैलाश का लटका हैदर उस्ताद का झटका लहरी काका का फटका फटका अमर हो गए। ऐसे हमार चेला निकरा रोहित सुहाना 29 तारीख को का हम मेजाम प्रोग्राम दे दी नाचल राघवानी के साथ गधे के जोड़ के गाय देश कहा है हमारे गुरु जी के पटका कहे नारी कहा से निकल कहा हम त्रिभुवन नाथ का चेला कहा सेकंड त्रिभुवन सम्राट। क्या बात है आप लोगों के आशीर्वाद से अभी मैं एक बिरहा दंगल कराया था दोस्त 17 कलाकारों को गवाया हूँ। ये बालक उस बिरहा दंगल में जज की भूमिका निभाया है। चार जज हैं राम गुलाम मौर्या जी रामचंद्र पाल जी ओम प्रकाश सराय रजानी के और मैं निष्पक्ष जज की कुर्सी पे था अतिथि जज राम गुलाम मौर्या जी थे। लेकिन 17 कलाकारों के बीच में एक लेडीज कलाकार फर्स्ट आई है दोस्त। आई आप लोगों के आशीर्वाद से जल्द ही टीवी चैनल पर वो कार्यक्रम मेरा आने वाला है। बहुत अफवाहें कलाकारों ने उड़ाया हमारे विषय में लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं है कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होगी। कोई भी अच्छा काम करोगे अशोक जी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी मुसीबत झेलना पड़ता है तो इससे कभी घबराना। हम तो वो इंसान हैं खतरे में पैदा हुए हैं और खतरा झेलते चले आ रहे हैं। भूखा भी इंसान मुट्ठी केवल गोलटैया है सही हमारे जगह दूसरा कौन हो तो झेल न पाओ। लेकिन हम कहे थे त्रिभुवन नाथ जैसे सौ मन वैसे एक मन ससुर हैदर गुरु बताए रहे कहन बेटा जिसका नाम बढ़ता है उसके लोग उसके पीछे लोग लगते हैं बस उन्हीं गुरु जी की बात कहन हमारे पीछे तमाम दुश्मन थे क्या बॉम्बे में मुझे जो है गोली मारे
बम फेंका गया मेरे ऊपर, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। इलाहाबाद के जितने कलाकार मिलते थे हैदर गुरु के, बस उपरंग के चक्कर में पड़ जाए। लेकिन आज माता शारदे की उनकी उनपे कृपा थी, तो ये बुराई से कभी नहीं घबराना चाहिए। तमाम तीनों बुजुर्गों की ये लाइन थी, जग्गू दादा आपन लहान बैठाए, सब मुठ भाई चरावत आए, पढ़ाइन का किस कहन सुना, फैसला चाहत हूँ कहन हाँ, कहें ते काम करा कोनो बगिया उगिया बा, कहन हाँ, गाना भी एकदम करीब बा, पांच मिनट का मसला उर बा, कहन काशी नरेश के सिरधरी में दुई बीघा का बगिया बा, और हमें हर चीजी के पेड़ बा, कहन और कहें दस हाथ चौड़ा कुआं बाटे, कहें बस बस वही कुने पे पंचायत अधाई दे, और काल तोहरे अश्विनी बेटवा के पहचान, कई काम करू चौधराइन, एक कई काम करू पढ़ाइन, कहन का कहन आज के रात पतोहू के संभारू, अपने लगे रखो, हाँ अपने लगे रखो, उन्हन दोनों को लगे जाय ना दे हो, कहे ठीक बस, कहे रस्सी बल्टी हुक्का चिलम एक भौंकी देसी गुड़ रख दियो, गर्मी का महीना बजहिया आए कि पिए हुए सब, पंचायत ने रखी गई। चौधरी सोचा था कि यार दुनिया में बहुत पंचायत करे है, ये बभने के ठीक अलग बैठ गए चारों। चौधरी कहे कनवा पंचायत कर, चाट फेल हो गए ने पंचायत करे आया, तो चौधरी सोचत कहा है, चौधरी कहाँ लगे मन लाए, चौधरी कहाँ लगे मन लाए, अरे कैसे फैसला होई दिल, अरे राम बलम से हंस के बतिया कहे, अरे बलम से हंस के बतिया कहे, चौधरी कहाँ आई गई मुरवा पर आफतिया, बलम से हंस के बतिया कहे, कहाँ आई गई मुड़वा पर फथिया, बलम से हंस के बतिया कहा, पंचायत में रखी गई तमाम चौधरी लोग बगिया में कट्ठा भय, अजब इतने में दोनों बेटवा दोनों चौधरी आए के कुआं पर हाजिर हो गए, अजब दोनों चौधरी आए गए तो कहें अब चौधराइन को बुलावा, चौधराइन आए खड़ी हो गई तो जग्गू दादा कहा कहा कि दुल्हन ई दोनों तू अपन असली मन से तू नहीं पहचान पाओ दिया, अरे कहा बुढ़ऊ जब पहचान ही पाई का करे, कितना मेला लागत, हम खुद ही ना फैसला कैले कहा धीरे धरा दुल्हन, आज इनहन में तुहार असली मन सिधु को पहचान हो जाये, कहें ठीक बा। वही जितना पंचायत करे वाले बटुआ रहन कहन वही जग्गू दादा कहा ए भाई एक बात सुन बे, कहन कहा सुने का है, कहा ये काम करते हैं यही पंचायतिया में तनिक पांच जने उठ जाता तो ए? तो हाँ लोग थे ना ही यार, कहे यही मौका पाइए भाई, कहा तनिक पांच जने उठता तो वहाँ पंचायत के बात रहे, तो है सब पंचायत करे जा बे कहा, ए भैया तनी पांचों जने कहें पांच जने उठा लई गए आड़े में, जब आड़े में लई गए तो पांचों जने जग्गू दादा कहा तहाँ कहा सवाल बड़ा टेढ़ा बा, कहें हाँ, कहें जो दस हाथ चौड़ा कुआं बना एक तरफ चौधराइन के खड़ी कही दे मेहरारू के एक तरफ मन से धू, अच्छा के यही कही दे कि चौड़ाई से एक तरफ मेहरारू हाथ फैलाई एक तरफ मन से धू, जमन मन से धू ऐसे दुल्हनी के हाथ पकड़ ले वही असली मन से धू, लेकिन एक मन में जानत रहा जमन ना पकड़ पाई वो असली सारा चौधरी कहा यानी बैर जग्गू दादा यही रख दिमाग का राहुल अहिर तबौ दिमागदार रहे नहीं रबौ दिमागदार, भगवान जाने जब तक सूरज चांद रही है धरती पर तब तक अहिर दिमागदार आप जान ले। हाँ, लेकिन एक कमी है, बारह बजे के बाद ये लड़ बहे रहा तो कत यही पता ही नहीं बस, हाँ एक सिंह का ये बतावा मुलायम सिंह जैसा बुद्धिमान के नेता है बताओ, नेता की उपाधि केवल दो ही नेता के दी गई दोष, धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह यादव या तो सुभाष चंद्र बोस,
और नेता शब्द कौन नेता का लगे मोदी साहब प्रधानमंत्री इतना बड़ा क्यों नेताजी माननीय नेताजी कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन मुलायम सिंह जी का नाम प्रधानमंत्री है कि हिम्मत नहीं पड़त ले माननीय नेताजी। सोचिए इतनी कम, अरे लालू प्रसाद गद्दारी कही गए नहीं, आज नेता मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री होते दोस्त। इस कहे ना कि अपने सहार भाई का जान ल मुलायम सिंह, हमें वो बात याद है बेटा राहुल, न मान न मालूम हो तो जान लो नेता मुलायम सिंह ना, हाँ वह शादी नहीं माने वही बड़े लालू गद्दारी कही गए, और शादी अपने जगह पर ही लेकिन बनाई दे चाहत रहा, हाँ एक सपना था, लेकिन कोई बात नहीं है, माननीय नेताजी रक्षा मंत्री बने थे दोस्त। सोचिए कभी अखिलेश हो सकता है कि उनके पेड़ में, ये भविष्य बता रहा है कि आने वाले भविष्य में भारत का पीएम अखिलेश के हाथ में है दोस्त, जरूर, क्योंकि जैसा उनका विचार है आचरण है। सोचिए नेताजी के पतोह से लेके नाती से लेके पंती से लेके छंती से लेके सब एमएलए एमएलसी सांसद विधायक हैं, तब इतना बुद्धिमान नेता कहाँ मिली कि घर भर पूरा जीते। जिंदगी कई साल को हो गए अब, केरी कई साल हमारा साल रहा 82 हमारा साल रहा नौ 22 81 हमारा साल था, माननीय नेताजी का 22 नवंबर को जन्मदिन मनाया जाता है, जिला कार्यालय पे हम हर साल गाना गाने जाते हैं उनके जन्मदिन पे, तो ई बात में जग्गू दादा दिमाग लगाई दे पंचायत बटरी कहने भाई हाथ पकड़ा, सबसे पहले असली मन से धुग नंबर लग गया लाल चंपाणे के, हाँ एक तरफ चौधराइन खड़ी भाई हाथ फैलाइन डेढ़ हाथ, एक तरफ लाल चंपाणे हाथ फैलाइन डेढ़ हाथ, सात हाथ कुआ दो लौंडे पहुंचे हाथ पकड़ के धाई के आई ठेन धाई छूटे होनी आए, हाँ अकेनिया के ले जाए कहे सोढ़ी में बांध देन कहे मेहरा रुक जाए, लाज की पाड़े कहा देन कि इंडिया टॉप मेहरा रुक जा तो सारे मरता है, हाँ बताओ मेहरा रुक खेत में इतने जाए चाह तो सारे हम कत वहाँ के भगवान भोलेनाथ मुस्कुरात खड़ा है कहे का बात कहे जग्गू दादा कहे हाथ पकड़ा मेहरारू तो हार ही है, भोलेनाथ कहा ही तो हमारे बाएं हाथ खेल तो तनिक फैले ही हम धर का कटल ठेल दे, एक सिर्फ चौधराइन हाथ फैलाइन डेढ़ हाथ, अब भोलेनाथ लागेर खड़ा हो हाथ फैला भाई ढाई 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 के 8.5 हाथ अकेले खेल दे, हाथ पर हाथ धाई कैसे चढ़ाई दे, इतने पे जग्गू दादा कहा था ए बच्चा कहा ही जवन हाथ पकड़े वह पहले का 10-20 फैट जमावा, भोलेनाथ कहे मर भाई तुम्हें लोग तो कहे हाथ फैला हुआ ना, तो हम हाथ फैलाए दिन हम पकड़ ली तो मेहरारू हमार भाई ये कहे बरे मरबे कहे, इतने में जग्गू दादा कहे ई मायाबी है ई जब हाथ फैलाए से गत है अशोक तो ई रूपो बदल सकत, चार छह 10 लौंडे एकदम टूटे मारे बने माता पार्वती सुगनी बन के डारी पे बैठी है कहें अब तो लेहन हमारे बउरा आसन लेहन झम से डाली पर से कूदी डाली पर से कूद के एकदम चमचमा साड़ी पहन के चल दी है, आ जब चल दी है तो जग्गू दादा कह रहा नई मेहरारू देखे जग्गू एकदम झटके इतने माता पार्वती जब पहुंची तो कहा जिन मारा कहे कहे न मारी तुम खायु के कहन हम माता पार्वती है कहे कवन पार्वती कहे रुके मास्टर कहे वही जवन कैलाश पर्वत पर रहा थी कहन अच्छा तो तू माता पार्वती है जवन मराय जा तई के कहे नहीं हमार बउराहु है कहे कहने माता पार्वती है नो भोलेनाथ है, ऐसे में
देवी जब असली साड़ी पहने पहुंचिन बउराहू के लगे ना भोलेनाथ कहे मराई ली हो यही बरे लगी रहे। अब भोलेनाथ कहाँ कहाँ है हाय 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 कहे अरे मोर भी रही गुजरिया हाय हाय अरे मोर भी रही गुजरिया कहे ताका तानी भार इस नहीं बेटा इसको मत लगाओ ना ये सब बनारसी अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा प्योर इलाहाबाद लगाओ देसी कलाकार हमें हैं बेटा कि हाय हाय अरे मोर भी रही गुजरिया कहे अरे मोर भी रही गुजरिया कहे ताका तानी भारी के नजरिया अरे मोर भी रही गुजरिया ताका तानी भारी के नजरिया अरे मोर भी रही गुजरिया लाल बहुत अच्छे कलाकार हाय मृत लोकवा में प्यारी तो का घुमाए अब घूमई का नजारा दुलहिनी है हम पाए कहे अरे मोर भी रही गुजरिया कहे ताक दे तू भरी के नजरिया अरे मोर भी रही गुजरिया भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बताएं गहन यही मृतलोक है देवी यही मृतलोक है लाख जतन करे लेकिन मनई हमार चोरी पकड़े देवताओं से मैं जीत जाता हूँ लेकिन मनुष्य इस धरती पे सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान है कहन देख ला माता पार्वती भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आए साथियों के बजाए बे मोबाइल बजट तो का खुद ही नहीं पता कह लाख जतन मैं किया लेकिन मनुष्य मेरी चोरी पकड़ लिया और जब असली रूप में आई कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे जाने लगे तो जितना पंचायत करे वाले रहें जब जान गए कि भोलेनाथ पार्वती हैं ना चरणीय पे गिर गए कहें प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए गलती क्षमा करिए प्रभु कहें यो मस्त क्षमा है कोई बात नहीं है कहें वरदान दे दीजिए प्रभु कहें बिल्कुल वरदान है कहें जाओ मैं वरदान दे रहा हूँ कि आज से तुम हमारा नाम लेकर तुम लोग जहाँ पंचायत करोगे वो पंचायत सफल होगी ध्यान दीजिएगा साथियों तब ऐसे ये मसल निकल गया कि जहाँ पंच उही परमेश्वर जहाँ पंच उही परमेश्वर पंचायत कितनों बटरी रही दादा ये आप सबके जमाने की बात है कितनों पंचायत बटरी हो लेकिन पूरे पंच के अंदर से पांच पंचून निकाले जाते हैं जो अकेले में निर्णय लेकर पांच पंचून आते हैं समाज में जिसको जो दंड देना रहता है जो लगा देते हैं उसको सारे समाज को स्वीकार करना पड़ता है प्रमाण मिलता है भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि मतलब पांच ही पंचून के अंदर परमेश्वर का वास होता है आठ लोग मेरा नाम लेकर पंचायत करेंगे वो पंचायत सफल होगी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पे जाने लगे तो वरदान देकर जब जाने लगे तो हुआ काम हाय हाय अरे हंसी खुशी से तू न ऊपर आनी हंसी खुशी से तू न ऊपर आनी घर में लूटई मौज बहा के बर भोला चली भई आगे खत्म भवाई जहा दुलहिन का दुल्हा मिल गई पूरी भासर का स्वामी गीतानंद जी कही गए स्वामी गीतानंद जी कही गए तहरे दादा
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वरदान देकर चले गए। यही गाने का भाव था साथियों। ब्राह्मण हमारे शीर्षक था जहाँ पंच उही परमेश्वर। पांच ही पंचून के अंदर परमेश्वर का वास होता है। लालचंद पांडे के मेहरारू मिल गए चौधराइन। अब माता पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे चल दे। भोलेनाथ बतायन कहन देखू न करमात, यही यार ड्रामा देख ले। हम इतना जतन करे चौधराइन बढ़े, लेकिन एनहन पकड़े लेन हमार छोर। हाँ, मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी है साथियों इस धरती पे। और यह कल युग में संध्या करा सकारे पवा, छह महीना तपस्या कैले बड़ा पुरुष डील पे प्रगट। हाँ समझा, बाबा भैरवनाथ, हाँ राजा बल पंवरिया, इसमें भी एकदम तड़तड़ाए के। कलयुग है साथियों, मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस धरती पे, लेकिन मनुष्य सबसे घटिया इंसान भी है इस धरती। जितना दुनिया के जीव जंतु हो चे अजय बाबू मनुष्य मार्ग खाते, ये आप जान लो। तो ये फुमार मिला और इसी गीत के साथ मेरी तरफ से समापन है। और लेखपाल साहब से हम चाहेंगे कि बिट पेमेंट के साथ हमें छोड़ने का कष्ट करेंगे। और सोना जी एक गीत गाएंगी, बिरहा आप लोगों को सुनाएंगी। जब तक ये गाएंगी मैं रहूँगा, बैठा रहूँगा, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी कलाकार हैं। आज हमारे सुनने का मन बा, बहुत दिन बाद मिले हो आप लोग। आप लोगों से इतना प्यार है, इतना लगाव है कि कम से कम एक बिरहा गा दीजिए। जनता जनार्दन की भी इच्छा है, हम भी सुन ले। और बहुत अच्छा आप लोगों ने, हाँ रुक रुक जा काका, शुरू करते हैं का। हाँ हाँ होई होई होई, नहीं गाय के यही टेंशन न ले, जाए न देव। आखिरी भाव है स्वामी की, कुछ दिन आप तो कम अहं गाए। हाँ हाँ का थे कुछ अहं क्या। अच्छा अच्छा, गा जाओ जी, ज्यादा पिए थी क्या। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए को तारी, राम आधार राजा राम, हैदर अली गईले स्वर्ग। अरे राम बलम से हंस के बतिया कहें, अरे राम बलम से हंस के बतिया कहें, अरे तो त्रिभुवन नाथ लागल हैदर से पीर किया, बलम से हंस के बतिया कहें। कहीं हुए ना, कहीं हुए ना मोहल्ले में हल्ला के बढ़िया लखा के काना, कहीं हुए ना मोहल्ले में हल्ला के बढ़िया लखा के काना, कहीं हुए ना मोहल्ले में हल्ला के बढ़िया लखा के काना। सौतन के घर का बोले लाल जले जबती, सौतन के घर का बोले लाल जले जबती, पिया गए परदेश कमाने, अरे कमाने कमाने कमाने, पिया गए परदेश कमाने, बिता के अपने हस्ती रोए रात रात, रोए सारी रात, रोए सारी रात, चुदरी कपल्ला घूमतवा उठा जाना, रोए सारी रात, चुदरी कपल्ला घूमतवा उठा जाना, रोए सारी रात, चुदरी कपल्ला घूमतवा उठा जाना, अरे उठा जाना, उठा जा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग। रुको बेटा एक मिनट, लाल भरत रुक जाओ दोस्त। बहुत अच्छा आप लोगों ने, अरे अब इतनी बढ़िया पदवी दे थी, अब और का चाहिए पगलो। कौनो आल्हा वाली पदवी दी नहीं तो का, हाँ कहो तो। बहुत अच्छा आप लोगों ने सहयोग किया गाने बजाने में, जाने अनजाने में, हमसे हमारे कलाकारों से। कोई टूटी हुई हो तो हम क्षमा चाहेंगे दोस्त। जीवन रहेगा फिर कभी मुलाकात होगी, आप सेवा सोना जी से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।